भाइयों, इस संसार में 60, 70 या 80 साल हमको जीना होता है, लेकिन एक बात याद रखें कि इस 80 साल के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। ये एक विशेष बात है जो हमको याद रखनी है कि 80 या 90 साल के बाद हम इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन खत्म नहीं होता है। यह नश्वर शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन मेरी और आपकी आत्मा वो समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहती है। और वो आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी, तब उसका क्या होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि आज हमने क्या चॉइस किया है। बचपन में ऐसी बातें हमको कोई बताने वाला नहीं होता है, इसलिए लोग कई बार गलती कर जाते हैं। लेकिन यहाँ आजकल आज जितने लोग बैठे हैं यहाँ, सभी को इस बात का अनुमान है कि कहीं भी जाओ डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट लाओ, वो लोग कहते हैं या नहीं कहते। जब मैंने 10th की परीक्षा दी थी तब मुझे इस बात का अनुमान नहीं था। 10th कब पास किया? 15 या 16 साल के थे तब 10th पास कर लिया। एक पर्चा हाथ में मिला, क्या मालूम था कि जिंदगी भर इस पर्चे की सुरक्षा करनी पड़ेगी। मतलब 60 के हो गए, 70 के हो गए, इसके बाद भी यदि मान लो कोई सरकारी काम करना है, पासपोर्ट बनवाना है, वो कहता है कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लाओ। तो आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले जो 10th पास किया उसकी मार्कशीट लानी पड़ती है। मनुष्य के जीवन की विशेषता है कि थोड़े समय में जो कार्य वो करता है उसका रिजल्ट उसके सारे जीवन भर रहता है। 10th में यदि मान लो आपने लापरवाही कर दी और आपने अपने नंबर बिगाड़ लिए, तो वो भी दूसरों को जिंदगी भर दिखता रहेगा। अच्छा, 10th के लिए मार्कशीट लाए तो अच्छा, तो पहले अटेम्प्ट में दो विषय में फेल हो गए थे और अब जो है तुम लाट साहब बनना चाहते हो। हम जानते हैं जिस तरह से मेरे और आपके जीवन में शुरू के 10 या 20 साल में हम जो कुछ करते हैं उसका असर अगले 60-70 साल तक रहता है, उसी तरह से इस नश्वर शरीर में मैं और आप जो कुछ चुनाव करते हैं, चॉइसेस करते हैं, उसका असर हमारे साथ हमेशा 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 के लिए जाएगा। इसलिए मैं फिर से सबको याद दिलाना चाहता हूं कि भाई लोग, 6 दिन हमारे पास काम करने के लिए है, 7वां दिन भी लगभग फ्री रहता है। शाम को यदि 1.5 घंटा आकर इस तरह की आत्मिक संगति में बैठकर प्रभु से, प्रभु हमको जो बताना चाहते हैं उस संदेश को प्राप्त करें और उस संदेश के अनुसार अपने जीवन को जीवन में जिएं, तो जब हम इस पृथ्वी को छोड़ जाएंगे उसके बाद जो अनंत काल तक आत्मा जीवित रहती है उसको हर तरह से अनुग्रह होगा। आज लापरवाही करेंगे, अनंत काल तक हम पश्चाताप करेंगे। आज जो करना है वो कर लेंगे, अनंत काल तक हम आनंदित रहेंगे। इन बातों से संबंधित प्रभु ने जो कुछ बताया है वो पवित्र शास्त्र बाइबल से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल की कुछ कॉपीज मैंने यहाँ लाके रखी थी, वो भाई लोग खरीद ले गए। अगले हफ्ते तक और कॉपीज आ जाएंगे, आप में से जिसको चाहिए वो खरीद सकते हैं। इस बाइबल से प्रभु के वचन का अध्ययन हम कर रहे हैं, और इस अध्ययन के दौरान मैंने आपको इतिहास बताना शुरू किया था। आपको याद होगा मैंने इतिहास बताया था कि आज से हजारों साल पहले पूर्व में हिंदुस्तान से कहा जाए तो पश्चिम में प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य को पुरुष और स्त्री के रूप में एक बहुत ही सुंदर बगिया में रखा था।
उनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, और इस तरह से मनुष्य का इतिहास चलता रहा। मनुष्य को जो कुछ चाहिए था सब कुछ ईश्वर ने प्रदान किया, लेकिन ईश्वर से सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध लंघन किया, और इस तरह से लंघन के कारण वो ईश्वर से दूर हो गया। मैं और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छा काम करना हमको कई बार बड़ा मुश्किल लगता है और लापरवाही करना बड़ा आराम लगता है। आत्मिक जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बदलाव क्यों हुआ कि मनुष्य अच्छाई के बदले बुराई के प्रति झुकाव ज़्यादा दिखाता है? बच्चे को पैदा होने के बाद जब वो बोलने लगता है तो उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसके पहले ही वो झूठ बोलने लगता है। जबकि अच्छा काम करने के लिए माँ बाप को बार बार माँ बाप को जरूरत पड़ती है कि बच्चे को याद दिलाए कि बेटा सदा सच बोलो। सदा सच बोले एक है ना, आपने सब लोगों ने नीति वचन सुना होगा। कभी कोई अपने बच्चे को ये सिखाता है क्या कि सदा झूठ बोलो? कोई नहीं सिखाता। कभी कभी झूठ बोलो? कोई नहीं सिखाता, लेकिन बच्चे झूठ बोलते हैं। बार बार उनको बताना पड़ता है कि सदा सच बोलो, हमेशा ईमानदारी से कार्य करो। ये मनुष्य के पाप का फल है। इस इतिहास का अध्ययन करते 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 हम लोग एक व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करने लगे थे। उस व्यक्ति का नाम था याकूब। आप कहेंगे ये कैसा नाम है? जिन लोगों ने उर्दू में नाम सुने हैं वो तो जानते हैं याकूब। मध्य पूर्व में जहाँ जिस जगह के इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ इस तरह के नाम चलते थे। याकूब एक बहुत ही महान पिता माँ हुए थे जिनके 12 बेटे हुए, और ये 12 बेटे एक से एक शूरवीर, एक से एक व्यापारी, जानवर पालने वाले। उस जमाने के हिसाब से जानवर पालना सबसे बड़ा बिजनेस होता था, सब हुए। लेकिन मनुष्य के पाप के स्वभाव के कारण इतने महान व्यक्ति के बेटे होते हुए भी इनमें से बड़े लोग, बड़े भाई लोग कई बार ऐसे कार्य करते थे जो ईश्वर के बच्चों को नहीं करना चाहिए था। 12 में से 11वां बेटा बहुत ही सीधा, सच्चा और खरा था। उसका नाम था यूसुफ। वो जाकर अपने पिताजी को अपने बड़े भाइयों की सारी करतूत, उनके सारे कार्य बताया करता था, और इसलिए बड़े भाई लोग उससे बहुत नाराज रहा करते थे। उस युवा, पवित्र, समर्पित जवान की जीवनी हम बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के बहुत सारे अध्यायों में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए 37वें अध्याय से आगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम पढ़ते हैं, और उसमें से कुछ पोर्शंस मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। वहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ अपने पिता के साथ रहता था और अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुँचाया करता था। भाई पिता यदि बेटों को डांट डपट के सही रास्ते पर चलाना चाहे तो कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए जो इन लोगों की खबर दे। यूसुफ जाके ये सारी बातें बताया करता था, और याकूब अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था। कारण क्या है? दो कारण थे। एक, इस 11वें बेटे के कारण उससे बड़े जो 10 बेटे थे उनकी सारी कारगुजारियां, उनके सारे कर्म पता चल जाते थे और पिताजी उनको सीधे रास्ते पर चला पाते थे। दूसरा कारण ये था, पिताजी ने इस बात को नोट किया कि उससे बड़े 10 भाइयों की तुलना में ये 11वां भाई यूसुफ अपने आत्मिक जीवन में पवित्र है, समर्पित है और गलत कार्य करना पसंद नहीं करता है। इस कारण पिताजी उससे बहुत अधिक
प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, पिताजी ने एक काम किया कि एक बहुत ही सुंदर, उस जमाने में यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक के लंबे कपड़े होते थे, लबादे होते थे, पिताजी ने उसको रंग बिरंगा एक लबादा बनवा के दिया। वहाँ तीसरे पद में हम देखते हैं कि एक रंग बिरंगा लबादा बनाकर अपने पुत्र यूसुफ को दिया। भाई लोग पहले ही उस छोटे भाई से नाराज थे कि भैया हमारी सारी करतूतें ये ले जाके पिताजी को बताता है, और अब देखो पिताजी मेहनत हम करें और सबसे बढ़िया लबादा उसको दिया जाए। प्रिय भाई और बहनें, एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं और आप जो 21वीं शताब्दी में जीते हैं, आज मेरे और आपके लिए एक शर्ट या एक कोट कोई मायना नहीं रखता है। कारण क्या है? आजकल तो फैक्ट्रियों में कपड़े बनने लगे हैं, और फैक्ट्रियों में कपड़े बनते हैं तो जो कपड़ा 1000 रुपया मीटर का था वो आज 50 रुपया मीटर का हो गया है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ 20 या 30 साल हुए हैं जब कपड़ा सस्ता हुआ है। मैं जब 5 साल का था तब हिसाब ये था कि पहले फादर अपने लिए पैंट बनवाएंगे, जब वो उनके लिए टाइट हो जाए तो टेलर के पास ले जाके छोटा करके उनके छोटे ब्रदर पहनेंगे, और जब उसके लिए टाइट हो जाएगा तो टेलर के पास ले जाके छोटा करके मैं पहनूंगा, और मेरे लिए जब वो छोटा हो जाता है तो टाइट उसको ऑल्टर करवा के छोटे ब्रदर को दिया जाएगा, और जब छोटा भाई के जो उसके लिए भी वो टाइट हो जाएगा तो वो पैंट जो है उसको माँ बहुत ही सावधानी से उसको उधेड़ कर उसमें जो अच्छा पोर्शन है उसको काट कर थैला बनाएंगी, किचन में पहुँचने के लिए कपड़ा बनाएंगी। उस जमाने में थर्मस फ्लास्क थोड़ी इतने आसानी से मिलते थे, तो इसलिए चाय की जो केतली है उसको कवर करने के लिए एक विशेष प्रकार की रजाई होती थी, उसके लिए वो कपड़ा यूज हो, कपड़ा इतना महंगा था। आज से मैं 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ भाइयों, कपड़ा इतना महंगा होता था कि एक कपड़ा एक बार जब घर आ जाता था तो उसकी मुक्ति तभी हो जाती थी जब वो धागा 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 अलग हो जाता है। यदि आज से 50 साल पहले ये स्थिति थी तो आज से लगभग 4000 साल पहले जो घटना हुई जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, वहाँ पिताजी ने बहुत ही रंग बिरंगा, उस समय आजकल के समान रंग थोड़ी होते थे, उस समय जो थोड़े बहुत डाई होते थे जिससे कपड़े को रंग दिया जाता था वो बहुत महंगे होते थे, तो रंग बिरंगा वस्त्र बना के दिया। उसका मतलब है पिताजी ने तो पूरी लॉटरी बेटे के ऊपर खर्च कर दी। बड़े भाई लोग बहुत नाराज हो गए। मेरे और आपके जीवन में जो अंदरूनी पाप का स्वभाव है यह उस पाप के स्वभाव को दिखाता है, और पाप का यह स्वभाव मेरे और अंदर, मेरे और आपके अंदर एक विशेष भावना भर देता है, और वो भावना है कड़वाहट। भाई के प्रति कड़वाहट, बहन के प्रति कड़वाहट, माँ बाप के प्रति कड़वाहट, सबके प्रति कड़वाहट। यदि आपके जीवन में यदि भाई बहन माँ बाप दोस्तों के विरुद्ध यदि इस तरह की कड़वाहट की यदि फीलिंग कभी आई है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, ये कड़वाहट मेरे और आपके लिए उचित नहीं है। ये कड़वाहट इस बात को बताती है कि मेरे और आपके जीवन का नियंत्रण पाप कर रहा है, पाप हमको नियंत्रित कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा नियंत्रण तो ईश्वर के हाथ में होना चाहिए। यहाँ एक और परेशानी हो गई, यूसुफ ईश्वर से इतने निकट जीवन बिताता था कि ईश्वर ने उसको 2 सपने दिए, और इन सपनों के द्वारा ईश्वर ने उसको कुछ बातें प्रकट की। उसने अपने भाइयों को यह सपना बताया, उसने कहा पहले स्वप्न में मैंने देखा कि हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे, बांध बांध के ही तो खेत के बाहर
ले जाते हैं। तो जब हम पूले बांध रहे थे तो मैंने देखा कि मैंने जो गेहूं का जो गट्ठर बांधा था, बांध के अपन उसको डाल देते हैं, तो वो बोला कि जो गट्ठर मैंने बांध के डाल दिया था वो खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हो गया तो तुम बाकी सब लोगों के गट्ठर उसके सामने झुककर प्रणाम करने लगे। ये भाई लोग पहले से अपने छोटे भाई से नाराज थे, उसके विरुद्ध कड़वाहट थी, ये स्वप्न और सुना तो उनकी सारी कड़वाहट उनके मन में से फूट पड़ी। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम जो तुम्हारे बड़े भाई हैं तुमको नमस्कार करेंगे, तुमको झुक के प्रणाम करेंगे, कैसी बात कर रहे हो? पिताजी ने यह बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि यह लड़का अच्छा है, अपने भाइयों से अधिक पवित्र जीवन बिताता है, तो शायद भविष्य में ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके भाई लोग इसको प्रणाम करेंगे। लेकिन इसके बाद यूसुफ ने एक और सपना देखा, ये सुन के तो फादर भी नाराज हो गए। वो सपना ये था, सूरज और चंद्रमा और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये स्वप्न हम इसी 37वें अध्याय के 9वें पद में देखते हैं, 9 से आगे। तो पहला सपना देखा तभी भाई लोग नाराज हो गए, क्या कह रहे हो, हम तुमको प्रणाम करेंगे। उसके बाद अगला सपना तो और भी खतरनाक निकला। यहां तो 11 तारे जो भाइयों को दिखाता है, और फादर ने सुना तो वो एकदम से बोले, अरे सूरज और चंद्रमा का मतलब है तेरे माता पिता भी तुझे प्रणाम करेंगे। कैसी बात कर रहे हो पुत्र, क्या तुम्हारे 11 भाई और तुम्हारे माँ बाप तुमको प्रणाम करेंगे? कैसी बात कर रहे हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से हर एक के जीवन में, हम एक ही समाज में एक ही परिवार में पैदा हुए हों इसके बावजूद सब एक बराबर नहीं होता है। सबको एक ही स्कूल में दाखिला करवा दो फिर भी एक बराबर नहीं होता है। माँ बाप सब बच्चों से एक बराबर प्यार करें तब भी सबको ऐसा नहीं लगता कि एक बराबर प्यार किया है। छोटा हमेशा कहता है कि डैडी आप तो बड़े से ज़्यादा प्रेम करते हैं, बड़ा हमेशा कहता है डैडी आप तो छोटे का पक्ष लेते हैं। मनुष्य के अंदर जो पाप स्वभाव है ये उसका रिजल्ट है, और इसीलिए मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे और आपके जीवन में जब प्रभु इस तरह से प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए अवसर देते हैं, संगति के लिए अवसर देते हैं, उसको ना छोड़ें, जिससे कि हमारे अंदर ये जो पाप का स्वभाव है इसको कैसे नियंत्रित करना है और किस तरह से एक नया जीवन पाना है इसके बारे में हम प्रभु के वचन से समझ सकेंगे। भाइयों का गुस्सा तो ऐसा आसमान तक चढ़ गया कि उन्होंने सोचा कि अच्छा सपना देखने वाला, तुझे तो हम ठिकाने लगा देंगे, मतलब हमने तो बहुत बड़े बड़ों को सीधा किया है, तू क्या है, तू तो हमारा छोटा भाई है। 12वें पद से आगे हम देखते हैं, एक बार पिताजी ने कहा कि तुम्हारे बड़े भाइयों की कोई खबर नहीं है, तुम जाके देखो कि वो लोग कहाँ हैं, क्या है, सुरक्षित तो है क्या। उन दिनों के एक तरीका था कि जो लोग चले गए वो महीने दो महीने चार पाँच महीने के बाद घर वापस आते थे, बस बीच में किसी यात्री से खबर मिल जाती थी कि हाँ वो फलानी जगह पर है, और घर से अक्सर खान पान का सामान गधों पर लाद कर उनके पास भेजा जाता था। तो छोटा भाई जैसा पिताजी ने कहा उसके अनुसार अपने बड़े भाइयों के लिए खान पान का सामान लाद के बड़े भाइयों से मिलने गया। जहाँ वो गए थे वहाँ गए तो पता चला कि वो लोग तो वहाँ से जा चुके हैं। किसी स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि वो लोग कह रहे थे कि फलानी जगह जाएंगे, तो यहाँ से वो खान पान का सारा सामान लेके पहुँचा जहाँ उसके बड़े भाई लोग थे। बड़े भाइयों ने दूर से देखा कि वो छोटा भाई आ रहा है,
18वां पद, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, क्या क्या आते देखा तो क्या किया, छोटा ब्रदर है, क्या उन्होंने किया, मार डालने का षड्यंत्र किया। 10 बड़े भाई जो उस जमाने के कल्चर के या समाज के हिसाब से उसके फादर के स्थान पर थे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, आज भी भारतीय गांवों में बड़े भाई का स्थान पिता का स्थान होता है, और छोटे बच्चे जो है वो अपने सबसे बड़े भाई के सामने खड़े भी नहीं होते हैं। ऐसे बड़े भाइयों ने जब अपने छोटे भाई को देखा तो पिता के समान उसके साथ प्रेम करने के बदले उन्होंने कहा, आओ उसको मार डालें, षड्यंत्र। कारण भी उन्होंने बताया, सपना देखने वाला आ रहा है। बस ये सपना एक ऐसी चीज थी जिसके कारण उनके मन में उससे बुरी तरह से बैर आ गया था। इसलिए आओ हम उसकी हत्या करके किसी गड्ढे में डाल दें, पिताजी से बोल देंगे कि किसी जंगली जानवर ने उसको खा लिया है। यह सुनकर सबसे बड़े भाई रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से नहीं मारे, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दें। 10 थे दुष्ट, लेकिन उसमें से दुष्टों में भी थोड़ा कम ज्यादा होता है, तो सबसे बड़ा भाई वो कम दुष्ट था। उसने कहा कि हत्या ना करें। उसके मन में वो जो प्यार है अपने भाई के प्रति वो आया। उसने कहा कि नहीं, हत्या मत करो, इस गड्ढे में डाल दो। रूबेन का प्लान कुछ और था। रूबेन ने सोचा कि इस गड्ढे में डाल के जब अपन यहाँ से आगे चले जाएंगे तो किसी सुबह आके मैं उसको गड्ढे से बाहर निकाल के उससे कहूँगा कि भैया जान ले के, जान बचा के भाग जा और वापस घर चला जा, और आइंदा हमको ढूंढने ढांढने के लिए मत आना, खान पान घर से ना आए, लेकिन कम से कम तेरी जान तो बची रहेगी। तो उन्होंने उसको पकड़ के गड्ढा वहां उन्होंने देखा, एक्चुअली एक सूखा कुआं था, उसमें डाल दिया। लेकिन डालने से पहले यहाँ लिखा हुआ है 23वें पद में कि उन्होंने उसका वो जो कोट था रंग बिरंगा उसको उतार लिया, डाल दिया। इसके बाद रोटी खाने के लिए बैठे, 25वें पद में देखते हैं, रोटी खाने के लिए बैठ गए तो उन्होंने देखा कि इश्माइलियों के एक दल ऊंटों पर, मतलब व्यापारी लोग आ रहे थे। उस जमाने में आज के समान रेलगाड़ियां कहाँ होती थी, गाड़ियां कहाँ होती थी, इसलिए विशेष प्रकार की सामग्री लोग सैकड़ों और कई बार हजारों किलोमीटर दूर गधे पर और ऊँटों पर लाद लाद कर ले जाकर बड़े बड़े शहरों में बेचते थे। ये इश्माइली लोग सारी दुनिया में जाकर हर तरह के परफ्यूम्स, हर तरह की दवाएं और हर तरह के की खाने की चीज़ें, और इसके साथ साथ गुलाम, अलग अलग देशों से पकड़ कर लाए हुए गुलामों को ले जाकर मिस्र देश में बेच देते थे। उस जमाने में मिस्र दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक देश था। 10 भाइयों में से रूबेन उसको मारना नहीं चाहता था। एक और भाई भी था जो उसे बैर तो रखता था लेकिन उसको मारना नहीं चाहता था। उसका नाम था यहूदा। 26वें पद में हम कहते हैं, यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने स्वयं के भाई की हत्या क्यों करें, उसके बदले उसको इन लोगों के हाथ में गुलाम के रूप में बेच दो। सी, 10 भाइयों में दसों उससे विरोध करते थे, एक ने उसको बचाने के लिए उसको गड्ढे में डालने को बोला तो उस कारण उसकी हत्या नहीं हुई, और वो बड़ा किसी काम से गया हुआ था उस समय, इन लोगों को देख के इसने, यहूदा ने कहा इसको बेच देते हैं। तब तक बाकी भाइयों को भी लगा कि काहे को जबरदस्ती अपने भाई की हत्या करते, उन्होंने उसको गुलाम के रूप में बेच दिया। इन लोगों ने क्या किया, ये जो इश्माइली लोग थे जो यूसुफ को लेकर गए थे
उन्होंने मिस्र देश में जाकर वहां का जो राजाधिराज फिरौन था उसके दरबार के एक बहुत ही हाई लेवल ऑफिसर जिसका नाम था पोतीफर, उसको गुलाम के रूप में बेच दिया। क्यों इतने बड़े हाई ऑफिसर के को बेचा, इसके पीछे भी कारण है। ये लोग गुलामों को पकड़कर लाते थे, गरीब नंगे भूखे लाचार लोगों को गुलामों के रूप में लाते थे और उनको बाजार में बेच देते थे। यूसुफ गरीब नंगा भूखा और लाचार नहीं, वो अच्छे खाते पीते परिवार का हट्टा कट्टा जवान था, पढ़ा लिखा भी था और इस कारण उसके लिए काफ़ी वैल्यू मिल जाती। तो इन्होंने सबसे बड़े ऑफिसर से ले जाके कहा कि देखिए आपके लिए बहुत ही सूटेबल गुलाम हम लाए हैं। उसने तुरंत उसको खरीद लिया। और आगे हम यूसुफ की जीवनी, प्रभु ने मदद की तो अगले हफ्ते देखेंगे किस तरह से प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया। ठीक है, भाइयों ने सोचा सदा सर्वदा के लिए अपना जो छोटा भाई है उससे मुक्ति मिल गई। अब देखते हैं सपने का क्या होगा या सपनों का क्या होगा। हम उसको प्रणाम, अरे अब तो गुलामी में मर खप जाएगा, तो क्या गुलामी, क्या जीवन, क्या मृत्यु और क्या सपना, ये उनके सोचने का तरीका था। उसके बाद उन्होंने एक काम और किया, 32वें पद में हम देखते हैं उन्होंने उसका वो जो ब्यूटीफुल जो कपड़ा था, चोगा था, उसको लेके फाड़ा। फाड़ने के बाद उसको खून में डुबा के सुखा दिया। और जब अगली बार वो घर वापस पहुंचे तो स्वाभाविक है पिताजी पूछेंगे कि अच्छा तुम लोग तो 10 हो, यूसुफ का क्या हुआ। तो जैसे ही पिताजी ने पूछा यूसुफ का क्या हुआ तो वो बोले अरे हाँ एक चीज याद आई है पिताजी, सड़क पर हम आ रहे थे तो रास्ते पे एक सूट, रंग बिरंगा सूट दिखाई दिया, ये जरा देखिए ये यूसुफ का है क्या, कैसा भयानक कपट। उन्होंने अपने भाई को, भाई के बॉडी से उसको उतारा था, उन्होंने उसको खींच के या चाकुओं से फाड़ा था, उन्होंने उसको खून में डुबाकर सुखाया था, पिताजी के सामने अज्ञान बनते हुए जरा देखिए तो पिताजी की ये क्या है, किसका है। पिताजी ने तो बहुत ही विशेष तरीके से बनवा के उसको दिया था। एक नज़र में पिताजी समझ गए कि ये तो मेरे 11वें बेटे यूसुफ को मैंने जो विशेष वस्त्र बना के दिया था वो था। और उसके बाद भाइयों ने कुछ नहीं बोला, देखा, मुलाकात हुई, यूसुफ आया नहीं था, कुछ नहीं। पिताजी ने तुरंत बोला कि हाँ किसी जंगली जानवर ने मेरे बेटे को मार के खा लिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आज से 50 साल पहले भी इस तरह के रास्ते हुआ करते थे जो इतने खतरनाक हुआ करते थे कि लोग एक या दो में यात्रा नहीं करते थे, झुंड के झुंड यात्रा करते थे, नहीं तो जंगली जानवर उनको पकड़कर खा जाते थे। अब ऐसी बातें कम हो गई हैं लेकिन अभी भी इवन अपने भारत में ऐसे कई इलाके हैं जहां अकेले यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि जंगली जानवर आपको फाड़ के खा जाएंगे। आज से 4000 साल पहले जब ना तो बिजली थी न आज के समान पक्की सड़कें थी, पगडंडियों से होकर जंगलों में आदमी जाता था तो कई बार जंगली जानवर उनको पकड़ के मार के फाड़ के खा जाते थे। तो इस सूट को देखकर फादर ने कहा कि मेरे बेटे को किसी जंगली जानवर ने मार कर फाड़ कर खा लिया है, अब मैं क्या करूं। उसके सारे बेटे बेटी उसको शांति देने के लिए, यहाँ लिखा हुआ है 35वें पद में कि सब बेटे बेटी उसको शांति देने की कोशिश में थे। देखिए कैसा कपट है, 10 बेटों ने तो ये सब किया था, ये सारा कांड किया था, अब पिताजी को शांति देने की कोशिश कर। बिटिए जो है वो तो इस बात को नहीं जानती थी, 12वां बेटा इस बात को नहीं जानता था, लेकिन बाकी 10 ने कैसा कपट किया
कि अपने भाई को गुलामी में बेच दिया ये सोचकर कि अपने हाथ नहीं किसी और के हाथ में वो मर खप जाएगा। बड़ी शांति देने की कोशिश की। मैं और आप अपने व्यवहार में ऐसा ही है, ये बात मैं याद दिलाना चाहूँ। प्रभु का वचन बार बार याद दिलाता है कि मेरे और आपका एक चित्र है, मेरे और आपके स्वभाव को दिखाता है। पिताजी विलाप करते रहे, उन्होंने कहा मुझे शांति देने की कोशिश मत करो, मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरा प्यारा बेटा उसको जानवरों ने खा लिया और अब मृत्यु के समय मैं अपने बेटे के पास पहुंचूंगा। यूसुफ का क्या हुआ, ये बातें हम प्रभु ने मदद की तो अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन आज मैं जो चरित्र हमने प्रभु के वचन से सुना है उसमें से तीन बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। नंबर वन, यूसुफ हर तरह से निष्पाप, निष्कलंक, सीधा, पवित्र, खरा व्यक्ति था। इसके बावजूद उसके जीवन में परेशानी आई। बचपन में ही गुलामी में बेच दिया गया। मिस्र देश में एक गुलाम जो है उसकी औकात कुछ भी नहीं थी। पालतू कुत्ता एक गुलाम से अच्छी हालत में था। पालतू कुत्ते को से कम सुबह शाम भोजन और रहने के लिए कम से कम छाया मिल जाती थी। गुलाम की कोई हैसियत नहीं थी। यूसुफ को उसके भाइयों ने इस तरह से, मतलब वो लोग दुष्ट थे, ये निर्दोष था। दुष्ट लोग घर में आराम कर रहे हैं, निर्दोष परदेश में गुलामी में जीवन बिता रहा है। प्रभु का वचन इस बात को याद दिलाता है, प्रभु मेरी और आपकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे और आपके जीवन में कभी भी मुसीबत नहीं आएगी। जीवन में हम सब किसी न किसी मुसीबत से होकर गुजरते हैं। तब एकदम से मेरे और आपके मुंह में ये प्रश्न आता है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मैं और आप इस निर्दोष निष्कलंक युवा यूसुफ से बेहतर नहीं है। यूसुफ का जीवन आगे हम पढ़ते हैं तो पता चलता है ना केवल और निर्दोष निष्कलंक था, लेकिन वो ईश्वर की दया के कारण अति बुद्धिमान और ज्ञानी और अच्छा ऑर्गेनाइजर और क्षमा से भरा हुआ व्यक्ति था। यदि उसके जीवन में ऐसा हुआ तो उसके सामने मैं और आप कुछ भी नहीं है। और इसलिए मेरे और आपके जीवन में जब कोई मुसीबत आती है तब प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्या क्यों हुआ, ये प्रश्न ना पूछे। यूसुफ ने क्या किया था, उसने तो विशुद्ध जीवन बिताया था, पवित्र जीवन बिताया था, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, प्रभु ने उसके साथ ऐसा होने दिया। तो मुझे और आपको याद रखना चाहिए, मेरे और आपके साथ ऐसा ही होगा। और हम तो यूसुफ से बहुत ही कम हैं हर तरह से, तो इसलिए हमारे साथ ऐसा जरूर होगा। लेकिन यूसुफ का जीवन खत्म हो गया क्या? देखिए, प्रभु ने यूसुफ को दर्शन देके बताया था कि तेरे 11 भाई तुझे प्रणाम करेंगे। और यदि ईश्वर ने ऐसा कहा है तो होकर ही रहेगा। ईश्वर ने उसको यह भी दर्शन दिया, तेरे मां बाप और 11 भाई तुझे प्रणाम करेंगे। ईश्वर ने ऐसा कहा है तो होकर ही रहेगा। इससे हम दूसरी बात ये समझते हैं प्रभु के वचन से कि मेरे और आपके जीवन में हर तरह की मुसीबत आएगी, प्रभु इन मुसीबतों को आने देंगे, लेकिन प्रभु ने जिस तरह से यूसुफ को दर्शन देकर बताया था, मेरे पुत्र तेरे भाई तुझे प्रणाम करेंगे, तेरे माँ बाप तुझे प्रणाम करेंगे, ऐसा ही होगा। हुआ या नहीं हुआ ये आगे हम देखेंगे, लेकिन मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं, यदि ईश्वर ने कहा है कि ऐसा होगा तो होगा, होकर ही रहेगा, किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगा। पहली बात इसलिए
आपके और मेरे जीवन में यदि कोई कठिनाई या मुसीबत आती है, तुरंत ये ना पूछें कि हे प्रभु मैंने तो कोई गलती नहीं की, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। नहीं, बल्कि प्रश्न ये होना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है, मेरी मदद कीजिए कि मैं वो इच्छा पूरी कर सकूं। दूसरी बात, प्रभु के वचन से हम ये देखते हैं, ये आज जो हमने जो घटना देखी उससे ये देखते हैं, प्रभु मुझे और आपको हर तरह की मुसीबत से होकर गुजरने देंगे, लेकिन प्रभु की सुरक्षा, प्रभु का हाथ, प्रभु की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहेगी। इसीलिए तो जब भाइयों ने उसकी हत्या करने की सोची तो 10 लोगों में से एक चाहता था कि हत्या ना करे, थोड़ी देर में दूसरे को भी लगा कि हत्या ना करे। यदि उन लोगों ने 10 लोग मिलकर एक छोटे भाई की हत्या आराम से कर सकते हैं। मैं तो हत्यारों के इलाके में पला हुआ हूं, चंबल, मेरे ही साथ पड़े हुए कितने सारे लोग हत्यारे निकले। मेरे साथ बेंच पर जो बैठता था, शादीशुदा होने के बाद किसी से दुश्मनी हुई, चंबल इलाके में तो बंदूक रिवाल्वर बहुत है, रिवाल्वर खींचा, शूट कर दिया, हत्या कर दी एक व्यक्ति ने। उसका विरोध करने के लिए कोई आया, दूसरा, उसको भी खत्म कर दिया, उसके बाद जेल गया। कुछ सालों के बाद हमारी मुलाकात हुई, मैंने पूछा, अरे राम अवतार तुम कहां थे? वो बोला, अरे यार जॉनसन, मेरे हाथ से दो मर्डर हो गए थे। छोटी सी बात लगी उसको। आज से 4000 साल पहले जब वो 10 भाई लोग एकजुट थे कि इसको खत्म कर दो, तो आराम से उसको खत्म कर देते, वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी हत्या कर सके क्या? नहीं। प्रभु ने सबसे पहले बड़े भाई का दिल बदला, थोड़ी देर के बाद एक और का दिल बदला, हत्या नहीं हुई। हत्या हो गई होती तो सपने का क्या होता? लेकिन सपने में यदि प्रभु ने कहा है कि ऐसा होगा तो होगा। प्रभु हर चीज पर नियंत्रण करेंगे, इसलिए आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है इस बात को याद रखें, प्रभु का नियंत्रण है। इसलिए प्रभु से जो प्रश्न पूछना है वो ये नहीं है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं, प्रश्न ये पूछना है कि हे प्रभु मुझे क्या करना है। तीसरी बात जो हम इस घटना से पढ़ते हैं, समझते हैं, वो ये है, क्यों 10 लोग एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना चाहते थे? उस व्यक्ति ने उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया था। हाँ, फादर से थोड़ी शिकायत वगैरह की थी। अरे शिकायत के लिए कोई हत्या करता है क्या? नहीं, सपने के कारण वो लोग हत्या करना चाहते थे। यूसुफ को जैसे ही देखा, उन्होंने कहा वो सपना देने वाला आ रहा, देखने वाला आ रहा है, उसको खत्म कर दो, तब सपने का क्या होगा? क्यों मनुष्य निर्दोष व्यक्ति का भी खून बहाने के लिए तैयार हो जाता है? इसके कारण है, आज से हजारों साल पहले जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करके ईश्वर को दुनिया के सर्वोत्तम गार्डन में रखा, जिसका नाम है अदन, जहां हर तरह के फूल और हर तरह के फल मनुष्य के लिए रखे हुए थे, जहां मनुष्य को ये सर्वोत्तम फल खा के सिर्फ आनंद के साथ जीवन बिताने की जरूरत थी, वहां उस मनुष्य ने पहले ही मौका मिला और उसने ईश्वर के साथ लंघन किया, ईश्वर के विरुद्ध लंघन किया। उस लंघन के कारण मनुष्य पापी हो गया। तब से लेकर आज तक दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है वो पापी है। मैं पापी हूं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब पापी हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न जो मैं आज मैंने शुरू में पूछा था, बच्चे को झूठ बोलना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं। क्यों? मनुष्य का स्वभाव पाप से भरा हुआ है। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, आपके मन में जो 24 घंटे जो आप सोचते हैं, आप चाहते हैं क्या कि कोई किसी व्यक्ति के सामने उसे रख दिया जाए? अपन सब जानते हैं आजकल की एक मोबाइल लिया
दूसरा मोबाइल उसके सामने रखा, ब्लूटूथ की मदद से वहां से सब कुछ डाउनलोड कर लिया। कल को अगली मीटिंग में जब आप आएंगे तब मैं एक इक्विपमेंट लाके आपके सामने यूं खड़ा कर दूं, आप पूछें कि सर ये क्या भला है, और मैं बोलूं कि भैया ये नई मशीन है और तुम्हारे दिमाग में जो कुछ है उसको डाउनलोड कर रहा हूं। कितने लोग वहां मेरे सामने खड़े रहेंगे? भैया मैं तो यदि कोई मेरे दिमाग को डाउनलोड करने की कोशिश करता हो जबरदस्ती, तो मैं तो पहले दो चार झापड़ उसको दूंगा, उसके बाद उसके हाथ में जो इक्विपमेंट है उसको छिना लूंगा और उसको मार पीट के भगा दूंगा कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत मेरे साथ करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरा व्यवहार करूंगा। क्यों? सवाल क्या बात है? डाउनलोड करने में क्या बुराई है? हाँ, ऐसी मशीन बन रही है, मैं कोई इमेजिनेशन नहीं बता रहा। एक बहुत ही धनी व्यक्ति ने लगभग 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है इस तरह की मशीन बनाने के लिए जो आपके दिमाग की बातों को डाउनलोड कर सके। ठीक है, कोई डाउनलोड करवाना चाहेगा क्या? नहीं। मेरे और आपके दिमाग में अच्छी बातें तो होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। क्यों? पाप के कारण। इस पाप का क्या इलाज है? इस पाप का इलाज बताने से पहले इस पाप का फल क्या है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन बाइबल हमको बताता है, या बाइबल हमको बताती है, सब ने पाप किया है इस दुनिया में, सब ने पाप किया और हर कोई ईश्वर की महिमा से, ईश्वर की निकटता से वंचित है। और यही परमेश्वर का वचन हमको यह भी बताता है, पाप की सजा मृत्यु है। मैं और आप इस दुनिया में आए हैं, हमको वापस जाना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन जाने के साथ सब खत्म नहीं हो जाता है, सृष्टा के सामने खड़े होना पड़ेगा जब हमारा न्याय होगा। और जब न्याय होगा तो उसके बाद, उस न्याय के बाद जिन्होंने भी इस प्रभु के द्वारा दिए गए नए जीवन को नहीं पाया है उन सबको उसकी सजा मिलेगी, शाश्वत कभी न खत्म होने वाली सजा। तो तीसरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो यह है, निर्दोष व्यक्ति के पीछे लोग हाथ धोकर उसकी हत्या करने के लिए इसलिए पड़ गए कि मैं और आप पापी हूं, पापी हैं, और उस पाप से मुक्ति जरूरी है, उद्धार जरूरी है। और उस उद्धार, वो उद्धार, वो नए जीवन हमको प्रदान करने के लिए ही आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु, जिनको उत्तर भारत में ईसा भी कहा जाता है, प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर पधारे थे और उन्होंने सूली पर अपना जीवन मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया था, कुर्बानी दे दी थी। आज से कई साल पहले मैंने जब इस बात को पहचाना कि प्रभु ने अपना जीवन मेरे लिए कुर्बान किया है, उस क्षण घुटने टेक कर मैंने बोला, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपने आप का बचाव नहीं कर सकता, आज मैं आपको मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। तब से मेरे जीवन में एक खुशी और शांति है, मुझे इस बात का यकीन है कि मैं संसार छोड़ जाऊंगा तो मैं प्रभु के साथ हूंगा। जो तीसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यदि इस सभा में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में इस नए जीवन को नहीं पाया है, तो इस हॉल को छोड़कर बाहर जाने से पहले इस नए जीवन को पाकर ही यहां से जाएं। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, तीन बातें हमने देखी, जो सबसे निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक व्यक्ति है उसके जीवन में भी मुसीबत आ सकती है, प्रभु अलाउ करते हैं, तब प्रभु से ये नहीं पूछना है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु से ये पूछना है कि प्रभु मुझे क्या करना है। नंबर दो, प्रभु की सुरक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। नंबर तीन, मनुष्य इस तरह के कांड, इस तरह के कर्म इसलिए करता है कि वो पापी है और पापी के लिए ईश्वर के सामने खड़े होकर न्याय फेस करना पड़ेगा, उससे बचने का रास्ता प्रभु ने स्वयं खोल दिया है, उस उद्धार को
उस मुक्ति को पाने के बाद ही आज इस हॉल से जाएं। आज प्रभु ने इस तरह से एकत्रित होने के लिए जो मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। अगले हफ्ते भी आइए, हम 6 बजे यहाँ मीटिंग चालू करते हैं, कुछ भजन सुनेंगे, आपस में संगति करेंगे, प्रभु का अनुग्रह मिलेगा। प्रभु आप सबको अनुग्रह दें।